नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर सीरीज हाउस फेसिंग्स एंड देयर इंपैक्ट। हम बात कर रहे हैं कि आपके घर के फेसिंग के अनुसार आपके जीवन पर वास्तु के अनुसार क्या असर पड़ता है। अपने पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट फेसिंग के बारे में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ के फेसिंग के जो घर होते हैं उनका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। नॉर्थ यानी कि उत्तर, ईस्ट यानी कि हमारी पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, इन तीनों दिशाओं को वास्तु शास्त्र में बहुत ही शुभ माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप नेचुरली इस फेसिंग के घर में रह रहे हैं तो आपके जीवन में बहुत प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि सब चीजें आपकी लाइफ में आती है, अगर आपने अंदर के घर के वास्तु में कोई त्रुटि ना की हो तो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉर्थ ईस्ट के फेसिंग के घरों से। नॉर्थ ईस्ट को वास्तु शास्त्र में ईशान कोण कहा जाता है और ये सोर्स एनर्जी की डायरेक्शन होती है। सोर्स एनर्जी यानी कि जहां से हमारे घर में जैविक और प्राणिक ऊर्जा एंटर करती है और ये बहुत ही हाईली मैग्नेटिक पोटेंट सेंटर होता है। और इस फेसिंग के घर जो है वो एकदम पॉजिटिविटी और प्रोस्पेरिटी से गनगनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट को वास्तु शास्त्र में ईशान कोण कहा जाता है और इसको सोर्स जोन भी कहते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी का जोन होता है जहां से हमारे घर में जैविक और प्राणिक ऊर्जा एंटर करती है। इसे ये भी कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट हमारा सोम स्थान होता है, यानी कि शिव का स्थान, यानी कि भगवान का स्थान होता है। और यहाँ पे जो रहते हैं वो लोग इस नॉर्थ ईस्ट की पॉजिटिविटी को फुल्ली अपने घर में महसूस करते हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है जुपिटर, जो कि एक बहुत ही सात्विक और बेनिवोलेंट प्लैनेट है। और कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के फेसिंग के घर संत प्रवृत्ति के होते हैं। अगर हम बहुत सारी वास्तु त्रुटियां भी अपने घर में कर दें तो भी ये घर हमको मिनिमम नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए ये हमारे लाइफ में पैसा लेके आता है, धन लक्ष्मी लेके आता है, साथ ही साथ मान सम्मान, नेम रेपुटेशन सब कुछ लेके आता है और हमारे लाइफ में प्रोस्पेरिटी, धन धान्य किसी चीज की कमी नहीं छोड़ता। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का जोन जुपिटर का जोन होता है। जुपिटर यानी कि गुरु, जो कि हीलिंग प्लैनेट भी होता है। नॉर्थ ईस्ट के घर ऑटोमेटिकली हमको अच्छी हेल्थ भी देते हैं। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के रहने वालों में, जो नॉर्थ ईस्ट के घरों में रहते हैं, उनके अंदर मेंटल क्लैरिटी भी होती है, क्रिएटिव थिंकिंग भी होती है और हर तरह की जो है एक मेंटली जो भी पीस पॉजिटिविटी हम इमेजिन कर सकते हैं वो नॉर्थ ईस्ट के घरों में अबंडेंट होती है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण होता है और भगवान का स्थान होता है, इसलिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए या अगर आप स्पिरिचुअल सीकर हैं तो भी आपके लिए नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग काफी अच्छी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट का घर आने वाले संकट को भी रोक लेता है और हमारे जीवन में हर तरह की खुशियां लाता है। अब बात करते हैं नॉर्थ के फेसिंग के यानी कि उत्तर के फेसिंग के घरों की। जैसा कि हम सब जानते हैं वास्तु शास्त्र में नॉर्थ को कुबेर स्थान कहा जाता है और कुबेर तो सब जानते हैं कि धन के देवता है। नॉर्थ के फेसिंग के जो घर होते हैं उनमें आमदनी बहुत अच्छी होती है, इनकमिंग मनी काफी अच्छा रहता है और हमेशा ऐसा लगता है कि घर में पैसे का इनफ्लो हो रहा है। अगर हम बात करें रूलिंग प्लैनेट की तो नॉर्थ जोन का जो रूलिंग प्लैनेट है वो होता है मरकरी यानी कि बुध। मरकरी रिस्पॉन्सिबल होता है आपके बच्चों की, आपकी इंटेलिजेंस के लिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, यानी कि आप कितने अच्छे वक्ता हैं, आप कैसे बात करते हैं, साथ ही साथ क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, इन सब चीजों को, आपकी मेमोरी को मरकरी रूल करता है। क्योंकि मरकरी नॉर्थ डायरेक्शन का रूलिंग प्लैनेट होता है, इसलिए नॉर्थ के घरों में ये सब चीजें अबंडेंटली आती हैं, यानी कि आपका पैसा, फाइनेंशियल ग्रोथ, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, और ये घर भी पॉजिटिव होते हैं और इसमें रहने वाले वास्तु के अनुसार काफी अच्छे रिजल्ट्स महसूस करते हैं। और आइए अब बात करते हैं ईस्ट के फेसिंग के घरों की यानी कि पूर्व के फेसिंग के घरों की। ये तो हम सभी जानते हैं ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ द सन, उगते सूर्य की दिशा है पूरब की दिशा। इसीलिए सूर्य की जो एनर्जी होती है वो इस घर में अबंडेंट होती है और ईस्ट के फेसिंग में रहने वाले लोग जनरली वाइटालिटी से, ऊर्जा से, एनर्जी से भरे हुए होते हैं। ईस्ट को क्योंकि सन का स्थान कहा गया है, सूर्य की दिशा है ये, इसलिए ये हमारे जीवन में मान सम्मान, रेपुटेशन, नेम, फेम, अच्छी सोशल नेटवर्किंग ये सब लेके आता है।
खासकर पॉलिटिशियंस को और जो लोग सोशल फिगर्स हैं, जो फेमस होना चाहते हैं, उनके लिए ईस्ट की फेसिंग बहुत अच्छी रहती है। ईस्ट को वास्तु शास्त्र में हेल्थ का स्थान भी कहा जाता है और ये घर भी अपने जो उसके रेजिडेंट्स होते हैं उनके लिए अच्छे से अबंडेंटली गुड हेल्थ भी लेके आता है। ईस्ट स्थान है प्रोस्पेरिटी का, नॉलेज का, क्योंकि ये इंद्र देव का स्थान है और वो नॉलेज के देवता हैं, इसलिए यहाँ पे रहने वाले लोग विद्या, ज्ञान और नॉलेज के क्षेत्र में भी काफी आगे बढ़ते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि तीन सोर्स डायरेक्शंस के फेसिंग के घर, यानी कि नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ ईस्ट फेसिंग के घर हमारे जीवन में क्या असर लाते हैं, क्या पॉजिटिविटी, क्या प्रोस्पेरिटी, नेम, फेम और क्या क्या नहीं लेके आते। अपने आने वाले वीडियोस में मैं आपको बाकी डायरेक्शंस के बारे में भी बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, आपका कोई भी क्वेश्चन हो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में पूछें और हमारे YouTube वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आगे कैसे वीडियोस आप देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस एंड हैव अ नाइस डे।